जिस बहुजन समाज में और जिस देश की रीढ़ के लिए अगर हमारी नारी शक्ति और जगत जननी हमारे इस मुहिम में साथ है तो दिन दूर नहीं है न सड़क से सांसद दूर होगी और न जमीन से अर्श दूर रहेगा। अभी हमारे डॉक्टर लाल सिंह जी कह रहे थे आप वो चीज को देखिए कि भाई हमें संविधान के माध्यम से उस राजनीतिक ताले को खोलना है और मैं एक छोटा अपना अनुभव आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। जो भाई जहाँ से जुड़ा हुआ है जैसे भी जुड़ा हुआ है आप वहाँ लॉयल रहे और जिस भाई को उस तरह का एक राजनीतिक कहीं से मंच कहीं से एक अधिकार मिल जाए तो वहां जोर पर एक तरह से वो किसी भी एबीसीडी किसी पार्टी से है लेकिन हमारा साथी वहां लड़ रहा है उसके साथ होकर के ताले हम संविधान को जब भी सुरक्षित रख सकते हैं जब वो चाबी जो है ना उस ताले की चाबी हमारे पास हो। और अभी हमारे लाल सिंह जी कह रहे थे ऐसा नहीं हमने हिस्सेदारी मांगने नहीं है हिस्सेदारी एक दिन हमारे से लोग मांगेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो हमारे को दिया है उनका कहना था अरे भाई हर आदमी की सोच नियत नीति विचार विजन उच्च कोटि के होने चाहिए वो शेरे जंगे इंसान है अगर उसके विचार और उसकी कोटि के वो विचार निम्न स्तर के हैं वो मरा हुआ इंसान है। इस दुनिया के अंदर गरीब आदमी सभी हंसते हैं इस दुनिया के अंदर अमीर से सभी जलते हैं लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान दिया हमारे समाज के लिए एक अनमोल रत्न है जिसके लिए दुनिया तरसती है। और मैं छोटा अपना मेरा नाम भूप सिंह खंडवाल है और 40 साल 8 महीने की भारत सरकार की यात्रा करके मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं और मैं कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय 20 साल 4 साल में अपने मंत्रिमंडल सचिवालय और 7 साल ऊर्जा मंत्रालय में अपने मान सम्मान के साथ अपने सफर को पूरा करके आज बीच में हूं आपके सामने। और मैं इस मन से वादा करता हूं संविधान को बचाने के लिए अपने अधिकार के और जो हनन होता है उस अधिकार को मानने के लिए हम मेरे तरफ से तन मन धन से मैं इस एलडीएफ के साथ बिल्कुल जुड़ूंगा और जो मेरा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर है जब तक ये लोधरा मृत्यु सिया पर नहीं जाएगा जब तक मैं अपने सभी साथियों को पढ़े लिखे नौजवान साथियों को बड़े बड़े विद्वानों को शिक्षाविदों को इस मुहिम से जोड़ करके और उस संविधान की रक्षा करके और उस चाबी को छीनने की कोशिश करूंगा। यही मेरा आज का जय भीम जय भारत।